शुशांक को फिल्मी जगत में एक अच्छा मुकाम पर ले जाने वाले मनोज तिवारी जी का भी नाम कहीं ना कहीं आता है। उनके जो साले साहब हैं वो धोनी फिल्म के प्रोड्यूसर रहे थे, जिन्होंने कि शुशांक की एक्टिंग और उसके जज्बे को देख के उस फिल्म में लिया। सुशांत की मेहनत इतनी रंग लेके आई कि वो फिल्मी जगत के एक बेबाक हीरो साबित हुए। लेकिन उनकी मौत जो अचानक हुई और आकस्मिक हुई, और इस मौत पर जो आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके परिवार वालों ने भी इस जो आत्महत्या है इस पर विशेषकर जांच की मांग की है। खासकर सांसद मनोज तिवारी जी ने भी इस पर मांग की है कि सांग की मौत पर और क्या अलग बात हो सकती है। उसके लिए हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी खुद मौजूद हैं। आइए बात करते हैं मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, जो बात करने से देखा जाता है कि जो सुशांत को एक अहम किरदार और अहम उसमें ले जाने वाले आप लोगों काफ़ी हाथ रहा है। फिल्मी जगत से आपका बहुत पुराना नाता है, आपने पूरा फिल्मी जगत बहुत करीबी से देखा है, बहुत ज़्यादा आप उसमें रहे, क्योंकि आपने अलग से भी एक भोजपुरी जो टीम खड़ी की थी तो वो भी उसमें बड़ा संघर्ष किया था। आप क्या मानते हैं सुशांत की आत्महत्या या क्या रीजन मानते हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है, उनके आत्महत्या करने में कोई शक नहीं है, किया तो उन्होंने आत्महत्या ही है। लेकिन जिन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की है उस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये सत्य है कि सुशांत सिंह राजपूत को धोनी फिल्म से प्रसिद्धि मिली। धोनी फिल्म हमारी एक इंस्पायर्ड मीडिया ने बनाई है, अरुण पांडे जी उसके प्रोड्यूसर हैं, तो इस नाते हम लोगों को सुशांत सिंह राजपूत को बहुत करीब से जानने का मौका मिला था। और वो एक शानदार अभिनेता थे और उनकी गिनती इस समय केवल बॉलीवुड के ही एक्टर्स में नहीं, पूरे वर्ल्ड के एक्टर्स में गिनती शुरू हो गई थी। अब चूंकि उन्होंने आत्महत्या किया, इतना बड़ा कलाकार अगर आत्महत्या कर ले तो सवाल तो उठेगा ही कि क्यों हुआ, क्या क्या गुजरा। तो ऐसी स्थिति में कुछ बातें आ रही हैं आज कि कुछ लोग उनको जानबूझ के डिप्रेशन में ले गए, कुछ उनकी फिल्में छीनी गईं। तो इसके लिए हमने कई लोगों की बातें सुनी हैं। एक हमारे सांसद साथी निशिकांत दुबे जी ने भी इस बात को बहुत अच्छे से उठाया, कई प्रश्न उठाए। कंगना रनौत ने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं और लोग भी जो फैंस हैं उनके वो भी उठा रहे हैं, और इंडस्ट्री में भी ये बात उठ रही है। तो हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि इस पूरी घटना की, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की, कड़ी और निष्पक्ष जांच हो। अगर कोई दोषी है तो उस तक पहुंचना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये घटना बहुत दर्दनाक है और भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी इसकी कड़ी जांच होनी बहुत आवश्यक है, ताकि एग्जैक्ट कारणों का पता लगाया जा सके। मनोज, इस तरह देखा जाता है क्योंकि आत्महत्या भी खुद बंदा नहीं करता, और जितनी इतनी बड़ी काबिलियत सुशांत सिंह ने राजपूत ने ली थी, उसके बाद उस पर कहीं ना कहीं भी ये भी देखा जाता है कि कहीं बैंक बैलेंस की कोई दिक्कत नहीं, कहीं पैसे की दिक्कत नहीं, कहीं सपोर्ट की दिक्कत नहीं थी, उसके बावजूद वो आत्महत्या करने पर मजबूर रहा। तो बिल्कुल आदमी अलग अलग तरह के सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरह से तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है, और कहीं ना कहीं सवाल आता है कि आत्महत्या के लिए मजबूर भी किसी ने किया होगा। देखिए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो या फिर कोई भी फील्ड हो, अक्सर प्रतिभाओं को और जिनमें ज़्यादा गुण होते हैं ऐसे लोगों को रोकने का भी कई उदाहरण मिलता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों बात होती है, ऐसा करने वाले लोग गलत हैं जो ऐसी प्रतिभाओं को आगे आने से रोकते हैं, उनके रास्ते में बाधा डालते हैं, और वहीं दूसरे तरफ उस व्यक्ति के अपने मजबूती की परीक्षा भी होती है, उसके धैर्य की परीक्षा होती है। सुसाइड कहीं से भी ठीक नहीं है, लड़ना चाहिए, जूझना चाहिए, इंसान ही जूझ सकता है ना। तो
सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से जाना सबको हिला दिया है, इसलिए मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि इसमें जैसे किसी ने उनको फिल्म से अचानक निकाल दिया हो, इसकी जांच होनी चाहिए, उसके उसके मन पे जो असर पड़ा होगा, क्योंकि फिल्मी दुनिया में भी इस तरह से गुटबाजी तो है, माफियावाद भी है। ऐसे में निश्चित रूप से एक कड़ी और निष्पक्ष जांच की मैं पैरवी करता हूँ। माना जाए कि सुशांत सिंह राजपूत जिस तरह एकदम उभरते सितारे गए थे, तो फिल्मी इंडस्ट्रीज में शायद अकेले भी पड़े हों वो इस मामले में। देखिए, अपनी अपनी टीम होती है, सबके अलग अलग हाउसेज हैं, और आजकल तो हाउसेज, प्रोडक्शन हाउसेज का भी अपना युद्ध है। लेकिन अब जब तक इस जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाए ना, हम जैसे रिस्पॉन्सिबल लोगों से और कुछ अभी नहीं कहना चाहिए, वेट करना चाहिए। और अगर किसी ने सच में उनको बुरी तरह से इसके लिए प्रेरित किया है तो उसको, कानून को उसके साथ वैसे ही निपटना चाहिए। चलिए मनोज जी, बात ये करना चाहिए, सुशांत राजपूत से आप बहुत करीबी से देखा आपने, क्या मानते हैं कि उसका आप स्वभाव भी देख चुके हैं, क्या लगता है कि वो खुद ऐसा काम कर सकता था? देखिए, सुशांत सिंह एक तो बहुत व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा शर्मीला सा व्यक्ति था, और वो अंतर्मुखी था, ज़्यादा अपनी बात बोलता नहीं था। जब उसको काम मिलता था उसको बेस्ट करके देने की उसकी पूरी कोशिश रहती थी, लेकिन हम कभी नहीं समझ पाए कि ये सुसाइड करने जैसी स्टेप भी उठा सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत। और मैं चूंकि इतना करीब से जानता था, देखिए वो बिहार के थे, पटना के थे, इस नाते भी वो जिस पहली फिल्म में आए वो फिल्म भी हमारे ही घर से बनी, इस नाते भी, और चूंकि मैं भी उसी फ्रेटर्निटी का एक व्यक्ति हूँ जी, तो इस नाते हम ये तो कभी नहीं सोचे कि वो आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा सकते हैं। लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो सत्य है, सामने है, और मेरा मन बहुत दुखी है। मैं इतना ज़रूर जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे कौन लोग हैं और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, और भविष्य में और कुछ ऐसा किसी के साथ ना हो, इसकी भी बॉलीवुड में एक रोक के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ये थे हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी, जिन्होंने कि सुशांत राजपूत को बहुत करीबी से देखा था, और उसके जो फिल्मी जगत में है काफ़ी इनका योगदान रहा है, और इन्होंने काफ़ी उसके स्वभाव को देखा। लेकिन ये आत्महत्या तय है, लेकिन बावजूद ये आत्महत्या किसी के गले नहीं उतर रही है, और फिल्म जगत में ऐसा आगे ना हो इसके लिए सांसद मनोज तिवारी ने भी बहुत बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और इसके पीछे, क्योंकि आत्महत्या है ठीक है, ये बात मानी जा रही है जिस तरह रिपोर्ट आ रही है, लेकिन इस आत्महत्या को पीछे कौन लोग हैं, इसको आत्महत्या तक प्रेरित कराने वाले कौन लोग हैं, उन लोगों का ज़रूर पता लगाना चाहिए। बहुत मन दुखी हुआ है आज मनोज तिवारी जी का, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को बहुत करीब से देखा था, उसके भविष्य को बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, और जो धोनी फिल्म उनके परिवार से ही चली थी, तो इन्होंने काफ़ी उस बात का दुख जाहिर किया है, और ये भी मांग की है कि फिल्मी जगत में भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए इस मामले को शांत नहीं होना चाहिए, इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें।